नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल पर। आज है 14 मार्च 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें। निजी स्कूलों पर नकेल कसने को बजट सत्र में संशोधन विधेयक लाने की तैयारी। प्रदेश भर से अभिभावकों के बढ़ते दबाव को देख राज्य सरकार निजी स्कूलों पर नकेल कसने के लिए बजट सत्र में संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मंत्रिमंडल की 15 मार्च को होने वाली बैठक में शिक्षा विभाग की तरफ से तैयार किए गए ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। साथ ही राजस्व विभाग से जुड़ी पेचीदगियों को दूर करने संबंधी संशोधन को भी बैठक में लाया जा सकता है। इसी तरह प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बैठक में प्रमुखता से चर्चा होगी। इसके लिए प्रदेश भर से सरकार को मिले फीडबैक के आधार पर कुछ कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। इसमें उन क्षेत्रों में सख्ती बरती जा सकती है जहां पर पिछले कुछ समय से कोविड-19 के मामले बढ़े हैं। सूत्रों के अनुसार निजी स्कूलों पर नकेल कसने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से तैयार किए गए ड्राफ्ट में नियम तोड़ने की स्थिति में 2 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। नए प्रावधान में आरटीई एक्ट को अमल करवाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि निजी स्कूल गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की शर्त पर अमल करे। शैक्षणिक सत्र के बाद मनमाने तरीके से स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को रोकने तथा वर्दी एवं किताबों की खरीद के लिए स्थान चयनित करने पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसमें शिक्षा विभाग और जिला स्तर पर डीसी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। नए प्रावधानों के अनुसार स्कूलों की आय और व्यय का विवरण आकलन करने के साथ शिक्षकों की योग्यता और उनको दिए जाने वाले वेतन का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए बाकायदा सीए से हर साल स्कूल का ऑडिट करवाना होगा। हिमाचल में 7 अप्रैल को होगी नगर निगम चुनाव, आयोग ने घोषित की तिथि। हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में ये चुनाव होने हैं। इनमें धर्मशाला को छोड़कर पालमपुर, मंडी व सोलन में पहली मरतबा नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार धर्मशाला, मंडी, सोलन व पालमपुर नगर निगम के लिए 22, 23, 24 मार्च को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 27 मार्च को नाम वापस लिए जाएंगे। 25 को नामांकन पत्रों की छटनी होगी। 7 अप्रैल को वोट सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उसी दिन नतीजे आएंगे। इससे पूर्व राज्य चुनाव आयोग की बैठक हुई जिसमें नगर निगम के चुनावों की तारीख निर्धारित की गई। जाहिर है हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल अप्रैल को पूरा हो रहा है। इसके साथ हाल ही में मंडी, सोलन और पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया है, लिहाजा चारों नगर निगम के चुनाव एक साथ करवाए जा रहे हैं। प्रदेश में सभी नगर निगम के चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर होने हैं। नगर निगम के चुनावों के लिए राजनीतिक दलों की सरगर्मियां पिछले कुछ दिनों से तेज हुई है। बीजेपी व कांग्रेस ने पर्यवेक्षक भी तैनात कर दिया। इन चारों नगर निगम के लिए 150 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा 75 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल प्रदेश में 86 कोरोना संक्रमित, 1 की मौत। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 86 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 1 व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को कांगड़ा में 21, ऊना 28, मंडी 15, सोलन में 7, हमीरपुर व शिमला में 5, कुल्लू में 4 और बिलासपुर में 1 नया मामला आया है। कांगड़ा में शनिवार को 62 वर्ष एक बुजुर्ग की कोरोना महामारी से मौत हो गई है। रक्कड़ तहसील के गरली निवासी मरीज को 12 मार्च को टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। मरीज विभिन्न गंभीर बीमारियों से ग्रस्त था। उपचार के दौरान शनिवार सुबह उनकी मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। बाहरी देशों खासकर यूके, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले लोगों को खुद ही स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना होगा। विभाग का तर्क है इससे जहां लोगों की ट्रेसिंग आसान होगी वहीं संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। खबर प्राइवेट स्कूलों से जुड़ी। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित बुक्स का ही प्रयोग करेंगे निजी शिक्षण संस्थान। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से समानता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों से ही विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। निजी शिक्षण संस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करने संबंधी एफिडेविट भी देंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड समय पर समानता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करता है। बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तकें एनसीईआरटी बेस्ड होती है। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम से ही प्रकाशित किए जाते हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड आगामी शैक्षणिक सत्र के दौरान निजी शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण भी करेगा। इस निरीक्षण में देखा जाएगा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तकों के अतिरिक्त कोई अन्य पुस्तकें प्रयोग में तो नहीं लाई जा रही है। यदि ऐसा पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही निजी शिक्षण संस्थान के खिलाफ की जाएगी। नगर निगम चुनाव, राठौर बोले प्रदेश चुनाव कमेटी तय करेगी टिकट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास सीधा हमला बोला है। शनिवार को प्रेस वार्ता में उन्होंने सीएम जयराम को होर्डिंग वाले मुख्यमंत्री की संज्ञा दी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस नगर निगम चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। निगमों में पार्टी टिकट AICC की अनुमति से प्रदेश इलेक्शन कमेटी तय करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा में पानी और सड़क वाले मुख्यमंत्री हुए, लेकिन होर्डिंग वाले मुख्यमंत्री ने जंगलों में भी प्रचार के होर्डिंग लगा दिए। CM हर सप्ताह दिल्ली जाते और कर्ज लेकर लौटते हैं। हैरत की बात यह कि इतना कर्ज लेने के बावजूद प्रदेश में कहीं विकास नहीं दिख रहा है। केवल मंत्री और सिर्फ सलाहकारों के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदी जा रही है। भाजपा सरकार कांग्रेस के शुरू किए गए कार्य के फीते काट रही है। और अब आज की वेदर रिपोर्ट। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 14 और 17 मार्च को मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जिले में रविवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के अधिकांश हिस्सों में तूफान आने और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम फिर साफ रहेगा और धूप खिलेगी। मध्य और ऊंचाई वाले भागों में बारिश और बर्फबारी होने के आसार है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री घटा है। बड़ी खबर, अब सरकारी अस्पतालों में स्थापित निजी लैब में भी फ्री होगी 56 टेस्ट। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पताल परिसर में स्थापित निजी लैब में मरीजों के निःशुल्क टेस्ट होंगे। अब ये सुविधा सरकारी अस्पतालों की लैब में है। मरीजों को सुविधा के लिए निजी लैब में ये व्यवस्था की जा रही है। अभी प्रदेश के अस्पतालों में SR लैब को टेस्ट कराने का जिम्मा दिया गया है। इस कंपनी के टेंडर की तिथि खत्म होने जा रही है, ऐसे में सरकार ने नए टेंडर के लिए कंपनी से आवेदन मांगे है। अब जिस कंपनी को टेस्ट करने का टेंडर आवंटित होगा उससे ये 56 टेस्ट निःशुल्क करवाने होंगे। प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों, जोनल अस्पताल, सिविल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में SR की लैब स्थापित है। इनमें सरकारी रेट पर ही हर तरह के टेस्ट होते हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की अपनी भी लैब है, लेकिन इनमें 12 बजे तक टेस्ट होते हैं, उसके बाद इनकी जांच की जाती है। ऐसे में लोग निजी लैब में टेस्ट करवाते हैं। पहले अस्पताल में 11 तरह की श्रेणी में आने वाले मरीजों को ये व्यवस्था थी, लेकिन अब सभी मरीजों को इन निःशुल्क टेस्ट सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसमें अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन भी शामिल है। खबर, बिजली बिल से जुड़ी हुई। अब रात 11:30 से 12:15 बजे तक ऑनलाइन जमा नहीं होंगे बिजली के बिल। हिमाचल प्रदेश में रात 11:30 से 12:15 बजे तक आप बिजली के बिल ऑनलाइन जमा नहीं होंगे। राज्य बिजली बोर्ड ने लेट पेमेंट सरचार्ज की समस्या से निपटने के लिए नई व्यवस्था बनाई है। 45 मिनट के लिए शटडाउन निर्धारित किया गया है। शुक्रवार से पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था लागू होगी है। इन 45 मिनट को छोड़कर उपभोक्ता किसी भी समय ऑनलाइन बिजली बिल जमा करवा सकेंगे। बिजली बिल विभिन्न माध्यमों से ऑनलाइन जमा करवाने की सुविधा देगी। रात 12 बजे से कुछ मिनट पहले जमा होने वाले बिल पूरी प्रक्रिया निभाते हुए अगले दिन की तारीख में चले जाते हैं। ऐसे में लेट पेमेंट सरचार्ज को लेकर समस्या खड़ी हो रही है। इस कारण कई बार बिजली बोर्ड को चपत लगती है, तो कई बार रात 12 बजे से पहले बिल जमा करवाने के बावजूद कंप्यूटर सिस्टम अगली तारीख दर्शाकर उपभोक्ताओं को सरचार्ज लगा देते। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज ज्वाली हलके को देंगे करोड़ों रुपए की सौगात, इन योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 14 मार्च रविवार को ज्वाली हलके को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री पहले नगरोटा सूर्य में नवनिर्मित डिग्री कॉलेज में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे और 5,25,00,000 रुपए अनुमानित लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए से बनने वाली प्रस्तावित सड़कों व जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाओं सहित पुलिस चौकी भवन की भी आधारशिला रखेंगे। बाद में मुख्यमंत्री नगरोटा सूर्य में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल में वाहन का रंग जैतून हरा है तो होगी कार्यवाही, 1500 वाहन मालिकों को नोटिस। हिमाचल प्रदेश में अब आम नागरिक वाहनों में जैतून हरे रंग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर किसी ने ऐसा रंग वाहन में करवाया तो परिवहन विभाग कड़ी कार्यवाही करेगा। ये रंग सेना के वाहनों के लिए आरक्षित है, लेकिन प्रदेश में इसका दुरुपयोग हो रहा है। इस मामले में विभाग ने 1500 वाहन मालिकों को नोटिस दिया है। अगर 3 माह में इस रंग को नहीं हटाया तो वाहन की रजिस्ट्रेशन रद्द होगी। इस संबंध में परिवहन आयुक्त अनुपम कश्यप ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी RTO, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी RLA और उपमंडलाधिकारी STM को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया कि वे ऐसे वाहनों को चिन्हित करें और कड़ी कार्यवाही करें। खबर, चंबा से भरमौर में लोगों ने ठप कर दिया हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम, तनातनी बड़ी, प्रशासन के खिलाफ गुस्सा। भरमौर में रावी नदी पर बन रहे कोटेड हाइड्रो प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को रोजगार न मिलने का मामला गहरा गया है। बार बार मांग के बाद भी स्थानीय लोगों को रोजगार न मिलने से खपा ग्रामीणों ने गोला में प्रोजेक्ट का काम ठप करवा दिया, जिसके बाद गुरोला में भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुंच गया, जिससे लोगों का प्रशासन के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया। खास बात यह रही कि इस रंग में महिलाएं भी मैदान में उतरी है।
दर्दनाक हादसा, रजवाड़ी सड़क पर कार खाई में गिरी, 3 लोगों की मौत। मंडी जिले के तहत आते नाचन क्षेत्र के रजवाड़ी केलिंग सड़क में एक कार 50 फुट गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 3 लोगों की मौत होगी, जबकि एक घायल का नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।